गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड वेलकम टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ। तो कैसी हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, बिकॉज मैं थोड़ी बिजी भी थी और तबीयत भी थोड़ी सी अप डाउन चल रही थी, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी। तो मैंने आज सुबह सोचा कि चलो सुबह से छोटा मोटा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं अपनी दे दूं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ और क्या हो रहा है आजकल मेरी लाइफ में। तो बस कुछ नहीं हो रहा था, पापा मेरे आए थे लखनऊ से, तो आए थे वो संडे मॉर्निंग आए थे और आज वो जा चुके हैं। तो उनका कोई मैं उनके साथ व्लॉग नहीं कर पाई बिकॉज टाइम नहीं मिला और मेरी इच्छा भी नहीं हुई तबीयत ख़राब होने की वजह से। वर्क प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर नहीं हो पाता है इतना ज़्यादा, मुझसे तो एटलीस्ट नहीं हो पाता है। और यही लगता है कि अब यार आए हैं, पापा हैं, ये हैं, और भी मेरे जो है एक देवर हैं वो भी आए हुए थे। तो इस तरीके में ये 2-4 दिन बीत गए और मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। तो आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, आई होप कि अब मैं कंटिन्यू करूँ ब्लॉग्स। कोई और वीडियो, कोई और टॉपिक मिलेगा तो उस पर भी मैं करूँगी। मेरी आईब्रोज अच्छी खासी ग्रो हो चुकी हैं तो कल तो बनवाना मतलब कंपलसरी हो जाएगा, परसों रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की तैयारी बस कुछ भी नहीं है, मैंने जो ब्लाउज डाला था, साड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी, वो ब्लाउज भी नहीं सिले हैं उन्होंने अभी तक। आज मैंने संजू को भेजा था जब वो लारा को लेके जा रहे थे, तो मैंने कहा उससे पूछ लेना कपड़े हो गए तैयार तो दे दें, तो उन्होंने अभी सिले ही नहीं। एक्चुअली उनकी बकरीद थी तो उसकी वजह से उनके ऊपर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। तो वो आए, उन्होंने कहा कि अरे अभी तो सिले ही नहीं उन्होंने कपड़े। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब मैं उनको एक बार इन्फॉर्म करवाऊँगी कि प्लीज़ एक साड़ी तो कम से कम पहनने के लिए तैयार करके दे दें, देखो मिल जाएगा, अदरवाइज़ कुछ और पहनना पड़ेगा। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मैं ग्रीन कलर की साड़ी पहनूं, देखो हो जाता है पूरा तो ठीक है, अदरवाइज़ तो। और बस कुछ नहीं है, लंच बना लिया था मैंने क्योंकि पापा जा रहे थे, तो पापा के साथ थे सफ़र के लिए भी मैंने थोड़ा सा पैक कर दिया, आलू पूरी और अचार, और घर के लिए मैंने सब्जी चावल और रोटी बनाया है, आलू परवल की सब्ज़ी। और जो है आज आपको मेरा नया नया दिख रहा होगा कुछ ना, आज मैंने मंगलसूत्र अपना चेंज किया है। आज क्या चेंज किया, चेंज मैंने किया था 3-4 दिन पहले, मुझे कहीं जाना था तो मैंने चेंज किया था, फिर मैंने इससे कहा कि चलो थोड़े दिन अब इसे पहनती हूँ। तो ये मंगलसूत्र मैंने चेंज, कान वान की दादी पता नहीं, कान में आजकल मैं कुछ पहन नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या रीज़न है। जहाँ पहनती हूँ थोड़ा उलझन होने लगती है, कहीं कुछ खुजली टाइप की होती है और मैं उतार के रख देती हूँ। और ऊपर देखो 3-3 पहने, नीचे में जिसमें सब पहनते उसमें मैंने एक भी नहीं पहना है, मतलब जो सब करते हैं वो मुझसे हो नहीं पा रहा है इस समय। सब कान में नीचे ज़रूर पहनते, ऊपर पहने या ना पहने, और मैं ऊपर पहनी हूँ नीचे कुछ नहीं पहने हूँ। और एक और सुबह से आज मेरी दिक्कत हो रही है, मेरे इस मतलब लेफ्ट हैंड में पता नहीं एक अजीब सी सेंसेशन हो रही है, झनझनाहट टाइप की, अब पता नहीं क्या है, रात में उल्टा सीधा लेटने की वजह से या पता नहीं क्या क्या आ जाती हैं बीमारियाँ। तो खैर ये सब चल रहा है और त्यौहार आ गया है, परसों है जो है सबसे बड़ा त्यौहार हमारा इंडिपेंडेंस डे, एंड उसी दिन हमारा एक और त्यौहार पड़ रहा, वो भी बहुत बड़ा त्यौहार है, रक्षाबंधन। तो दो चीज़ों की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको आज़ादी की इस वर्षगांठ पे बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको रक्षाबंधन की जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान हर भाई बहन का प्यार और बढ़ाए और मजबूत करे ये रिश्ता, और एक दूसरे के साथ वो हमेशा अपनी ताउम्र रहें, ये मैं आप सबको शुभकामना देती हूँ। और अपने लिए भी मैं यही सोचती हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं, धीमे धीमे उनके आने का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा चलो जब तक कि वो नहीं है, उनके आने पे बड़ा शोर शराबा हो जाता, तो मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लूँ। तो यही सब है। और एक और बात शेयर करनी थी, मुझे याद आ गई, तो मैं उस पर अपनी संवेदनाएं थोड़ी सी जाहिर करना चाहूँगी कि मैं कल एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का वीडियो देख रही थी, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं,
तो मैंने कल वहाँ पे के लिए देखा कि जो है वहाँ पे कराची में 2 दिन बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश तो खैर यहाँ भी बहुत तेज़ हो रही है, और हमारे तो आधे कंट्री में बाढ़ जैसा माहौल है, और काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं बाढ़ की वजह से, और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया। हमारी सेनाएं लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से लगी हुई है। लेकिन ये कहते नहीं है, ये नेचर है, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे हम निपट सकते लेकिन इनको रोक नहीं सकते हैं। तो यहाँ भी है, और लेकिन कराची में कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे बारिश थी, और वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उनकी कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स की, उन्होंने जो वहाँ का वर्क किया हुआ है बिजली से संबंधित वो अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है कि वो ठीक ढंग से नहीं किया था। मुझे कल इतना उसकी वीडियो देख के मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि क्या बताऊँ। बच्चा कोई भी हो, किस माँ माँ ही होती है, और माँ के लिए उसका बच्चा मतलब जान होता है, और ये हर एक माँ समझ सकती है कि वहाँ पर बिजली में करंट, बिजली के करंट से 24-25 बच्चे और कम से कम 100-150 लोग मतलब बड़े और बच्चे मिला के उनकी जाने गई हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पानी में, तो सोचिए कि बच्चा अगर पानी में पाँव रख रहा है और करंट में उसी जगह वो तड़प तड़प के किसी माँ के सामने उसकी जान चली जाए, ईद के मौके पे, जबकि वहाँ पर ईद का कितना बड़ा मतलब उनका ये फेस्टिवल है, और कितनी इंसान तैयारी करता, और इतने क्यूट क्यूट से बच्चे। मैंने सब जो फोटो देखी माँ का बिलखता हुआ, वो माँ ऐसे कह रही थी कि मेरे बच्चे ने मेरे सामने तड़प तड़प के दम तोड़ा, हाय मेरा बच्चा, और अल्लाह किसी को किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो सच में किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, मतलब ये दर्द बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन अपने बच्चे को दर्द या तकलीफ में या उसका उसको खोना बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन जितने भी बच्चे और जितने भी लोग वहाँ इस तरीके इस वजह से जिनकी जानी गई हैं, उन सबके लिए मैं बस यही प्रे करूँगी कि भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे, और वो जहाँ भी हो, उनकी सोल जहाँ भी हो, जहाँ उनकी रूहें हो, सुकून से रहें। और उन माओं को मैं क्या कहूँ, शब्द से कुछ नहीं होता है, और अपनी संवेदना देने से भी कुछ नहीं होता है, उनका दुख तो बहुत बड़ा है। लेकिन बस यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि उनको जो है ये दुख सहने का जो है एक ताकत दें, उनको ये दुख सहने की क्षमता दें। मैं फोटो देख रही थी, बच्चे राजकुमार की तरह, जिसका बेटा 12-13 साल का हो, बच्चा इकलौता हो। एक पेरेंट्स तो ऐसे थे जिनको 9 साल के बाद बड़ी मन्नतों से एक बेटा हुआ था, और वो इकलौता बेटा था जो कि करंट लगने से उसकी जान चली गई। तो सोचिए उस फैमिली के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, कि उनके लिए कितना दुखद है। वो कह रहे थे कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम नहीं जी सकते। तो ये बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल एक इमोशन है कि अपने बच्चा जो कि प्राण होता है, प्राण बसे होते हैं संतान में एक माँ बाप के, तो वो कैसे रहेंगे। मैं बता नहीं सकती कि कल रात मैं इतनी बेचैन रही हूँ इस बारे में। और मैं उनका ये क्या कह सकते हैं कि वो हमारी कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कंट्री के लिए भी और सबके लिए कि प्लीज़ यार, ऐसा कोई अगर हम अपने आपको हमने जो है अपनी रक्षा के लिए, अपनी देखभाल के लिए इलेक्ट किया है, आपको वहाँ तक पहुँचाया है, तो आप लोग भी हमारे प्रति जिम्मेदार रहें, कुछ भी ऐसे काम न करें, कम से कम जो करें इतना भी क्या भ्रष्टाचार की जाने चली जाएं। मैंने उस एक्टिविस्ट को कहते हुए सुना कि जो है इतना इसको मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा था कल तक, कि जो है आज तो शायद आया है वहाँ की मीडिया में, कल तक मीडिया में नहीं दिखाया जाता, थ्रेट था वहाँ पे लोगों को कि ये सब मत दिखाओ। और जो है वहाँ का जो काम है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, प्लस जो है लोगों की ये एक जो एक अपर जो डिवीज़न है जहाँ की ये गलती है, उन लोगों का ये कि अरे हर बारिश में 200-300 लोग तो मर ही जाते, तो क्या 200-300 लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है।
आप सोचिए, बारिश ऐसी एक चीज़ होती है, एक मौसम ऐसा होता है कि बच्चे क्या बूढ़ों का मन जो है एक शैतानी करने का हो जाता है। बारिश में घूमना किसे पसंद नहीं है, बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं है, बारिश में चाय पकौड़े, बारिश में ये, बारिश का मौसम कौन ऐसा होगा जिसे पसंद नहीं होगा। तो वो तो बच्चे हैं, क्या वो घर से बाहर निकले नहीं निकलेंगे, क्या वो खेलेंगे नहीं क्योंकि वो स्कूल नहीं जाएंगे, या वो किसी काम से, उनको क्या पता कि हम जहाँ पे पैर रख रहे हैं वहाँ पे करंट है और वो बच नहीं पाएंगे या उनकी जान जा सकती है। तो जो इतना बड़ा आपका एक सिटी है कराची, जिसका मैंने बहुत नाम सुना है और मैंने पाकिस्तानी ड्रामास में देखा भी है, आई थिंक उसे बिजली का शहर कहा जाता है, सोचिए, लाइटों का शहर कहा जाता है, रोशनी का शहर कहा जाता है, वहाँ पर बिजली से और रोशनी से ही उन बच्चों की जान चली जाए, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और मैं इस पे अपना बहुत 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 ज़्यादा दुख जाहिर करती हूँ और बहुत भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन माँ बाप को हौसला दें ये सब चीज़ें सहने का। और वहाँ के लोगों से मैं ये करूँगी कि वो इस चीज़ को आगे लेके आएँ कि प्लीज़ इस तरह की जो भी कमियाँ हैं उनको जो है दूर की जाए, जिससे आगे ये सारे हादसे ना हो। और मैं ये हर इंसान के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए भी कहूँगी कि ऐसी अगर कोई भी जगह है तो वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो इस चीज़ को आगे करें, क्योंकि दुर्घटना ना हो उससे पहले ही हम सचेत हो जाएं, कोई इतनी बड़ी त्रासदी ना हो, कोई इतना बड़ा हादसा ना हो, कोई माँ बाप रोए नहीं, कोई परिवार का सदस्य बिछड़े नहीं, बस इतना होना चाहिए। हम इतना टैक्स देते हैं, इतना पैसा देते हैं, इतने बिल्स भरते हैं, किस चीज़ के लिए? सुविधाओं के लिए? क्या हमें यही चाहिए? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। आज वो माँ बाप सोच रहे होंगे इससे बढ़िया तो हम गांव में रहते हैं, हम ऐसे शहर में रहते जहाँ बिजली जैसी चीज़ ही ना होती, कम से कम उनकी औलाद उनके पास तो होती। तो बस ये कहना था मुझे, और मेरी कंडोलेंस उनके साथ हैं। और टाइम हो रहा है शिवू यशु को लाने का, तो वो आ जाएंगे फिर खाना ना खाएंगे। तो मैं बस ये इतना ही बताना था आपको, ये कॉन्डोलेंस देनी थी, और उसके ऊपर से जो है मुझे ये बताना था कि मैंने ब्लॉग्स क्यों नहीं की, और आगे मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, रक्षाबंधन भी हो सका तो पूरा सेलिब्रेशन दिखाऊँगी। शिबू यशु की तो राखी आ गई है, पीयू ने भी भेज दिया है, और शानू की भी आ गई है, दोनों की आ गई है, और यहाँ वाली उनकी दीदियाँ रक्षाबंधन वाले दिन ही आएंगी, तो वो मैं ज़रूर कैच करने की कोशिश करूँगी कि मैं उसको शूट कर पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, कल मैं पक्का व्लॉग स्टार्ट करूँगी, और जो है रक्षाबंधन को ज़रूर 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 आपको दिखाऊँगी कि कैसे हुआ मेरे घर में रक्षाबंधन। तब तक के लिए आप अपना प्रॉमिस करिए, बहुत ख्याल रखेंगे और बहुत खुश रहेंगे, और बारिश में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, और उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जिनकी कराची में बिजली के करंट से जानी गई हैं। तो बस उनकी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी सी प्रार्थना आप लोगों की भी चाहिए, फिर मिलूंगी।